सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। पीएम मोदी के साथ चल रही ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रात तक चलेगी, जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों को अपनी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। ऐसे में लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को खत्म हो रहा है। मोदी सरकार अब इकोनॉमी को गति देने के लिए राज्यों में कामकाज शुरू करने पर विचार कर रही है। राज्यों के सीएम के साथ इस पर भी चर्चा होगी। तेलंगाना सीएम केसीआर ने कहा कि हम इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ट्रेन सेवाओं की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ट्रेन सेवाओं को फिलहाल शुरू करने से कोरोना वायरस का संक्रमण फैल सकता है और स्क्रीनिंग आदि मुश्किल हो जाएगा। 12 मई से ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद सरकार 18 मई से एयरलाइन कंपनियों के लिए घरेलू उड़ानें शुरू करने की अनुमति दे सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार इसकी घोषणा आज की जा सकती है। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान सभी ट्रेनों और एयरलाइंस को रद्द कर दिया था। सरकार द्वारा 12 मई से ट्रेनों को चलाने की अनुमति देने के बाद उड़ानों की अनुमति देने का कदम उठाया जा सकता है। इस लॉकडाउन की वजह से देश के प्रमुख राज्यों में कंस्ट्रक्शन के साथ ही दूसरे अन्य काम बंद हैं। कुछ इसी तरफ से दिल्ली में भी है। दिल्ली सरकार कंस्ट्रक्शन से जुड़े मजदूरों के खाते में पिछले महीने वित्तीय देते हुए उनके खाते में 5,000 रुपए ट्रांसफर किया था, जो दिल्ली सरकार एक बार फिर इनके खातों में 5,000 रुपया ट्रांसफर करने जा रही है। दिल्ली सरकार में श्रम मंत्री गोपाल राय ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में काफी मजदूर रहते हैं, लॉकडाउन की वजह से लगभग काम बंद है, जिससे उन्हें अपना जीवन चलाने में काफी दिक्कतें हो रही है। इसलिए सरकार ने पहले भी मजदूरों के खाते में 5,000 दिया था और अब एक फिर यानी कल से सरकार मजदूरों के खाते में दोबारा 5,000 रुपए देने जा रही है। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को से दूसरी वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया की फ्लाइट 118 यात्रियों को लेकर आज शमशाबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी। एयर इंडिया अन्य देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए उड़ानों का संचालन कर रही है। बाद में इन यात्रियों को 14 दिनों के क्वारंटाइन के लिए शहर के अलग अलग होटलों में भेज दिया गया। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 67,000 के पार हो गई है। देश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़कर 67,152 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 4,213 नए केस सामने आए हैं, जो कि अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। पिछले 24 घंटे में 97 लोगों की मौत हुई है। 20,916 लोग इस महामारी से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अब तक 2,206 लोग इस बीमारी से जान गंवा चुके हैं। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट बढ़कर 31.1% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने यह जानकारी दी। अब एफआईआर के लिए आपको थाने थाने भटकना नहीं पड़ेगा, पुलिस अब घर घर जाकर एफआईआर दर्ज करेगी। प्रदेश की शिवराज सरकार ने सोमवार से एफआईआर आपके द्वार सेवा शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज सोमवार को आपके द्वार का शुभारम्भ किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि एक नंबर लगाने पर 3 सुविधाएं मिलेंगी। इससे फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस से भी संपर्क किया जा सकेगा। इसमें शिकायत मिलने पर डायल 100 संबंधित व्यक्ति के घर पहुंचेगी। जरूरत होने पर यह एफआईआर दर्ज भी करेगी।